हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी शंकर विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी शंकर जी, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की कि यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस आगे। बस्तर में भी इस बार कांग्रेस ने अपना दबदबा बना लिया है, यहाँ पर 12 में से 8 सीटें कांग्रेस के नाम हो गई है। यहाँ पर माना जा रहा है कि अब वो कांग्रेस के ही खाते में जाएगी, लेकिन यहाँ पर मोदी ने भी काफी प्रचार किया है। बस्तर जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, वहां पर भी मोदी ने खासा प्रचार किया, तो क्या यहां पर मोदी फैक्टर काम नहीं किया जबकि पूरे देश में मोदी की लहर है? नहीं मीनाक्षी, छत्तीसगढ़ में खास करके जो बस्तर संभाग की बात हो रही है, वहां पे राहुल गांधी भी गए थे, वहां पे नरेंद्र मोदी भी गए थे, उनकी भी सभाएं हुई थी। और लेकिन वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की सभाओं में जरूरत से ज्यादा भीड़ उमड़ी थी, जबकि राहुल गांधी की सभाओं में उतनी भीड़ नहीं उमड़ पाई थी। और बात उसकी भी नहीं, और तीसरी बात यह है कि झीरम घाटी में जो हमला हुआ था उसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि कुछ सहानुभूति जो वोटे हैं वो कांग्रेस को मिलेंगी। तो ऐसे में वहां पे बस्तर संभाग में मोदी का लहर या फिर राहुल गांधी का इसमें लहर वहां पर असर पड़ा होगा, ऐसा फिलहाल दिखाई पड़ता नहीं है। क्योंकि जो वहां पे बस्तर में 8 या 9 सीटों पे कांग्रेस जो आगे चल रही है, तो एक तो सहानुभूति जो 32 से कांग्रेसी झीरम घाटी में जो हमले हुए थे उसके दौरान जो मारे गए थे, उसका एक परिणाम हो सकता है। दूसरा, जो अजीत जोगी के हाथ में जो कमान इस बार कांग्रेस ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से सौंप दिया था, उसका असर हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पहले चरण में खास करके बस्तर और जगदलपुर के उस क्षेत्र में जो 18 विधानसभा में जो पहले चरण में चुनाव हुए थे, वहां पे इन दोनों चेहरों का कोई खासा फर्क पड़ा होगा। तो शंकर जी, यहां पर मानकर चला जाए कि सहानुभूति की लहर यहां पर जनता के बीच फैलाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं रमन सिंह का विकास का मुद्दा भी हावी रहा है, क्योंकि रमन सिंह लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में उतना विकास कराया है जितना कि न तो उत्तराखंड में हुआ है और न ही झारखंड में हुआ है, बल्कि तीनों ही राज्य जो है वो लगभग साथ साथ अलग हुए थे, लेकिन जितना विकास छत्तीसगढ़ में हुआ है उतना विकास झारखंड और उत्तराखंड में नहीं हुआ है। तो यहां पर विकास का मुद्दा भी जरूर हावी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका फायदा क्यों यहां पर बीजेपी को दिखता नजर नहीं आया? मीनाक्षी बिल्कुल, देखिए रमन सिंह खुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है और कुछ अच्छे कार्य उन्होंने किए भी हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो बस्तर का इलाका है वहां पे विकास से तो बात की बात है, पहले वहां पर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि वहां जो लोग भय के साय में जो जीने को जो मजबूर पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते, सुरक्षा व्यवस्था के कुछ इस तरह के इंतजाम करते कि जो वहां लोग नक्सलियों से बहुत डरे हुए हैं, जो भयभीत हैं, उनके डर से ठीक से वो जी नहीं पाते, अपना जो भी रोजी रोजगार है वो कर नहीं पाते। तो उसमें रमन सिंह जो एक तरह से आप ये कहा जाए तो बिल्कुल फेल रहे हैं, इसलिए वहां की जनता ने रमन को एक तरह से नकार दिया है। हाँ, दूसरे चरण में चूंकि वहां पे नक्सलियों का बहुत प्रभाव नहीं है तो डॉक्टर रमन का प्रभाव वहां देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले अगर फेज में जो बस्तर का इलाका है अगर वहां रमन फेल हुए हैं तो उसका सीधा सा जो मतलब यही है कि वहां पे उन्होंने नक्सलियों से निपटने का कोई इंतजाम नहीं किया और लोगों के मन से डर। शंकर जी, कहीं ना कहीं जो भयमुक्त माहौल है वो देने में जनता को यहां पर नाकामयाब रहे हैं रमन सिंह, और शायद इसी का खामियाजा उन्हें बस्तर संभाग में और जो बस्तर जिले की जो सीटें हैं वहां कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अरविंद, इस बार महाकौशल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? रुझान तो सामने आ गए थे लेकिन नतीजे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, महाकौशल को शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और ये गढ़ टूटा नहीं है। इस बार के चुनाव में भी शिवराज का जादू भरपूर चला है, कमलनाथ का जादू कहीं लुप्त हो गया है, छुप गया है, और ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ का जो वजन है कांग्रेस में वो सिर्फ दिखावे के लिए है, कार्यकर्ताओं ने उन्हें अब नकार दिया है, क्योंकि कमलनाथ की ही पसंद के सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर चुने गए थे, खड़े किए गए थे, कांग्रेस की लिस्ट में शामिल किए गए थे, दिग्विजय सिंह या सिंधिया और इसके बाद सुरेश पचौरी के द्वारा जो नाम सुझाए गए थे उन नामों पर कंसिडरेशन नहीं किया गया था। तो कमलनाथ ने जिन नामों को दिया था उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और वे बुरी तरह से हार गए। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो शिवराज का जादू है वो यहाँ पर पूरी तरह से चला है। लगभग 36 से 38 सीटें हैं यदि पूरे महाकौशल अंचल की हम बात करें तो, और उनमें 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी या तो बढ़त बनाए हुए है और या फिर उनके प्रत्याशियों को घोषित विजय